नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको बताऊंगा। पूरा का पूरा डिटेल में रहेगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप सभी इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे ऐप से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, या तो आप सभी सिंपली गूगल प्ले स्टोर में जाना और वहां पर भूपेंद्र मिश्रा लिखोगे तो भी मेरा ऐप आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, तो भूपेंद्र मिश्रा लिख सकते हो तो भी आपको नंबर वन पे ही वो ऐप आ जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेनली ये फोकस है हमारा जो EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर। और EMRS के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में फ्री में आप सभी को मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इसका पूरा का पूरा फ्री में वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। एकदम यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट है उसको बना करके रखे हुए, अगर आप लोग चाहते हो तो वहां से जा करके देख सकते हो। साथ ही साथ बहुत ही जल्दी पेडोलॉजी का जो क्लासेस है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल में स्टार्ट होगा आप सभी के लिए एकदम फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला चीज है, चीन ने किया है एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। ठीक है, जैसे कि ये एक रोबोट आप सभी को दिखाने के लिए है। किस डेट को लॉन्च किया था तो इसको याद रखना है, 27 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया था। और इसका अगर बात करें तो ओरियंस स्पेस द्वारा इसको विकसित किया गया है। और यह जो है 30 किलो का रोबोट जो है भविष्य की तकनीकी का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो क्षुद्र ग्रहों का खनन करने के में सक्षम होगा। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए अंतरिक्ष में कोई भी उपग्रह हम लोग छोड़ भेजे थे जिसका कुछ ना कुछ मलबा क्या है अंतरिक्ष में इधर ही घूम रहा होगा, तो उसको ये साफ करने का काम करेगा। तो बस इतना याद रखना, कौन से देश ने भेजा है तो चाइना ने भेजा है। डेट याद रखना 27 अप्रैल 2021 को। और कितने किलो का है ये, 30 किलो का है। और किसने किया है इसको, तो ओरियंस स्पेस द्वारा इसको विकसित किया गया था। अगला है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने क्या किया है, हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया है। ठीक है, क्या किया है इसने, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया है। और DRDO ने HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कुल 60 क्रिस्टल ब्लेड भी दिए हैं। अब ये क्रिस्टल ब्लेड क्या काम करता है, मेनली आपका जो हेलीकॉप्टर इंजन का जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला ज्यामिति का आकार के साथ सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का उपयोग अब किया जाता है, किया जाएगा इसके इसके साथ। ठीक है, और ये जो ब्लेड है ये निकिल बेस्ड सुपर ऑयल से निर्मित होता है जो ऑपरेशन के उच्च तापमान को सहने का क्षमता रखता है। दुनिया भर में केवल कुछ ही देश हैं जिनके पास ये है, जैसे कि UK, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, USA, रूस, इनके पास है। ठीक है, और अब हमारे भारत देश के पास भी हो गया है क्या, तो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड। अगला है, भारत ने Python 5 एयर टू एयर मिसाइल का किया पहला सफल परीक्षण। तो किस डेट को किया है, इस डेट को याद रखना 27 अप्रैल 2021 को किया है। और किसने किया है, DRDO के द्वारा किया गया है। और भारत में स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी एयर टू एयर हथियारों की क्षमता में 5वीं पीढ़ी के Python 5 एयर टू एयर मिसाइल को जोड़ा है। तो ये किसका है, तेजस का ही एक भाग है, इसको समझ सकते हो। ठीक है, और इसको याद रखना ना, DRDO का नाम। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड किए वितरित। मतलब किस डेट को इन्होंने बांटा है, इस डेट को याद रखना, डेट आ जाएगा आपका 24 अप्रैल 2021 को, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है उस डेट को इन्होंने किया था, ई संपत्ति कार्ड वितरित किया था। देखिए, मैं आप सभी को वीडियो के अंत में पूरा के पूरे जो महत्वपूर्ण दिवस है अप्रैल के वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दिवस भी पूछा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण कार्य का शुभारंभ किया है। और इसमें 4.09 लाख संपत्ति मालिकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस स्वामित्व योजना का तहत जो ई संपत्ति कार्ड के वितरण में क्या किया, अपने कार्ड को प्राप्त किया है। अब हम सभी जान लेते हैं आखिर ये स्वामित्व योजना है क्या। तो ग्रामवासियों को अपनी आवासीय संपत्तियों का मालिकाना हक दिलाने की मदद कर रहा है ये योजना जो है आपका स्वामित्व योजना। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण हो रहा है। ठीक है, 2020-21 के दौरान ड्रोन का उपयोग कर हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लगभग 1 लाख गांवों में संपत्ति के रिकॉर्ड का सर्वेक्षण किया गया। और 6 राज्यों के 730
63 गांवों के लगभग 1 लाख संपत्ति के मालिकों को वो अपनी संपत्ति का कार्ड मिला, ठीक है। और संपत्ति कर का निर्धारण और वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय संपत्ति ऋण का लाभ भी मिलेगा जिसके पास संपत्ति कार्ड रहेगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना के लाभार्थियों से के साथ वही संवाद किए थे। और टोटल कितने लोग थे, तो 4,09,000 के आसपास टोटल लोग थे जिनसे ऑनलाइन मोदी जी ने कुछ लोगों से उसमें बात किया था, ठीक है। अगला है अपना संशोधित GNCT अधिनियम। मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल थ्योरी टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। मतलब जो दिल्ली में कैसे शासन किया जाएगा उसका जो अधिनियम था उसमें क्या किया गया, थोड़ा सा संशोधन किया गया है। और अब दिल्ली में LG जो थे, ठीक है, उनको कुछ शक्तियां एक्स्ट्रा मिल गया है। आप सभी जानते होंगे कि हमेशा दिल्ली में मुख्यमंत्री और LG के बीच में एक प्रकार से मनमुटाव होते रहा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं। आप सभी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, ठीक है। तो ये जो नया अधिनियम आया है GNCT एक्ट, तो इसके तहत समझिए कि LG का जो शक्ति है वो बढ़ गया है। भारत की राष्ट्रीय जो राजधानी है दिल्ली में 27 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधित अधिनियम 2021 लागू हो गया है। यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी में निर्वाचित सरकार से अधिक उपराज्यपाल की कार्य शक्तियों को प्रधानता देता है। मतलब क्या है, जितना पावर CM के पास नहीं होगा, जो भले चुन करके आए रहेंगे, उससे ज्यादा पावर किसके पास रहेगा, उपराज्यपाल के पास रहेगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस GNCT अधिनियम के प्रावधान दिल्ली में 27 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। और विपक्षी दल क्या है, देखो एक्चुअल में क्या है, राज्यपाल उपराज्यपाल या राष्ट्रपति कहा जाए, उसको चुनाव में सबसे ज्यादा हाथ किसका रहता है, सत्ताधारी पार्टी का, ठीक है। जिसके पास ज्यादा विधायक हैं, ज्यादा सांसद हैं, उनका ही राष्ट्रपति चुना जाता है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए राज्यपाल क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, मतलब जब तक राष्ट्रपति जी चाहेंगे तब तक वो रहते हैं। तो एक्चुअल में ये कहा जा सकता है कि केंद्र अपना शक्ति वहां पर बढ़ाना चाहता था, केंद्र की जो सरकार भी मोदी गवर्नमेंट है वो, तो इसके लिए जो विपक्ष के लोग थे इसका बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे। विपक्षी दलों की भारी आलोचना के बीच यह संशोधन विधेयक 22 मार्च को लोकसभा में और 24 मार्च 2021 को राज्यसभा में पारित किया गया था, ठीक है। अब देखिए, रिजर्व बैंक ने MDs और CEOs के कार्यकाल के बारे में किया दिशा निर्देश जारी किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 अप्रैल 2021 को बैंकों के प्रशासन के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें निजी बैंक, लघु वित्त बैंक, SFBs और विदेशी बैंकों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां शामिल थी। बैंकों को 1 अक्टूबर 2021 तक इन निर्देशों का पालन करने की अनुमति दी गई है। देखिए इसमें मेनली क्या क्या फैक्ट्स हैं, इसको आप सभी देख लीजिए एक बार। पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक के इन नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार एक बैंक के प्रबंध निदेशक मतलब MD और मुख्य आर्थिक अधिकारी CEO, MD या पूर्णकालीन निदेशक WTD का पदभार एक ही व्यक्ति द्वारा 15 वर्ष से अधिक समय तक नहीं निभाया जा सकता है। मतलब ये फिक्स कर दिया गया है कि अगर आप MD बनो, CEO बनो या पूर्णकालीन निदेशक बनो, आपका जो कार्यकाल होगा वो 15 सालों का ही होगा। RBI ने एक बयान में यह कहा कि अगर बोर्ड द्वारा ऐसा आवश्यक और वांछनीय माना जाता है तो 3 साल के न्यूनतम अंतराल के बाद ही अन्य शर्तों को पूरा करने वाले योग्य अधिकारी एक ही बैंक के MD, CEO या WTO के तौर पर भी पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, ठीक है। इसके बाद है, इसके अलावा वे MD या CEO या WTO जो बैंक के एक प्रमुख शेयर धारक भी हैं, 12 से अधिक वर्षों तक इन पदों पर कार्य नहीं कर सकते हैं। RBI ने यह भी कहा है कि वह असाधारण परिस्थितियों में किसी प्रमुख शेयर धारक, प्रमोटर, WTD, MD या CEO को 15 साल के लिए पद पर कार्य करने की अनुमति दे सकते हैं। 12 या 15 साल की अवधि के भीतर ऐसे MD या CEO या WTD की पुनः नियुक्ति के मामले की जांच करते समय RBI द्वारा प्रमोट्स की शेयर होल्डिंग को कम करने के लिए प्रगति और मुख्य सिद्धांतों के पालन का स्तर भी RBI द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मतलब ओवरऑल समझिए, जो भी जो बैंक होंगे उनके जो MD, CEO या WTD हैं, उनका कार्यकाल मैक्सिमम 15 सालों तक ही रहेगा। और उसमें थोड़ा सा कुछ कुछ छूट दिया गया है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर समझा जाए तो उनका कार्यकाल जो है मैक्सिमम 15 सालों तक का ही होगा। यही RBI का नया रूल है।
अगला है, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू किया है। देखिए ये क्या है, 25 अप्रैल 2021 से 3 दिनों का मेगा वॉर गेम शुरू हो रहा है हमारे हिंद महासागर में। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती समुद्री उपस्थिति में बढ़ रही चिंता के बीच इस संयुक्त अभ्यास को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, तो भारत और फ्रांस के बीच में हो रहा है, कितने दिनों का होगा, 3 दिन का होगा, कब से स्टार्ट हुआ है, 25 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। अगला है, भारत वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में 87वें नंबर पर है। तो हमेशा सूचकांक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में पश्चिम और उत्तरी यूरोप के देश हैं। सूची में स्वीडन जो है वो पहले नंबर पर है, तो पहले नंबर पर ये याद रखिएगा कि वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में पहले नंबर पर कौन है, स्वीडन है। ठीक है, और जबकि नॉर्वे पहले स्थान पर, जबकि नॉर्वे और यूरोप क्रमशः क्या है, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। नॉर्वे कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, और यूरोप तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के हिसाब से चाइना जो है 68 रैंक पर है और इंडिया जो है 87th रैंक पर है। ठीक है, अगला है, नासा ने मंगल ग्रह पर बनाई सांस लेने योग्य ऑक्सीजन। तो नासा क्या कर रहा है, उनका प्लान है कि 2033 तक क्या करेंगे, उन लोग मंगल ग्रह में भी जीवन को स्टार्ट करना है, मानव जीवन को क्या करना है वहां पर स्टार्ट करना है 2033 तक। तो इसके लिए वो वहां पर ऑक्सीजन बना रहा है। तो किसने, नासा में ने क्या किया है, मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बना दिया है, ये सब फैक्ट्स एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर माउंट अन्नपूर्णा है ना, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। क्या क्या फैक्ट्स है इसको देख लेते हैं हम सभी। प्रियंका जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मकालू पर 8485 मीटर की चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला होने का भी रिकॉर्ड बना चुकी हैं। माउंट अन्नपूर्णा जो है वो नेपाल में स्थित हिमालय का ही एक हिस्सा है और इसकी ऊंचाई बात करें तो 8000 मीटर से ज्यादा है। इससे पहले प्रियंका ने साल 2013 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि 8849 मीटर ऊंचाई पर है चढ़ाई किया था उन्होंने, और वहीं साल 2018 में उन्होंने माउंट लहौत्से और माउंट मकालू और साल 2016 में माउंट किलिमंजारो पर भी वो चढ़ाई कर चुकी हैं। तो इनका नाम याद रखना, प्रियंका मोहिते। अगला है पीएम मोदी जी का। देखो मोदी जी ने क्या किया है, जो अंबेडकर जयंती था उस दिन 4 किताबों का विमोचन किया है। 4 किताबों का नाम याद रखना, एक है राष्ट्र दर्शन, जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन और आयाम दर्शन। तो ये 4 बुक है, चारों के चारों बुक का नाम याद रखना। एक किसके ऊपर बेस है, तो आपके हमारे भीमराव अम्बेडकर के ऊपर बेस है। ठीक, और बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, इतना याद रखिएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म जो है 1891 में हुआ था, 14 अप्रैल के दिन ही हुआ था, और मध्य प्रदेश के महू में हुआ था इनका जन्म। साल 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया था। और आपको बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर पर 1968 में बनी एक दुर्लभ मराठी लघु फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने अपने संग्रह में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो बाबा साहब अम्बेडकर को अच्छे से याद रखिएगा। इनके ऊपर 4 किताबों का लॉन्चिंग किया है किसने, मोदी जी ने। किस दिन किया है, 14 अप्रैल के दिन किया था। अगला है, सोनम मलिक बनी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान। इनका नाम याद रखना, सोनम ने ग्रुप बी के मैचों में चीन की जिया लोंग और चीनी ताइपुए की हसीन पिंग पाल को हरा करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। उन्होंने कजाकिस्तान की विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अयुल्लम कासिमोवा को भी हराया है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखना, टोक्यो ओलंपिक में पहली बार हिस्सा लेंगे हमारे देश के 4 नाविक। पहली बार ऐसा होगा कि जबकि टोक्यो में होने वाले खेलों में देश के 4 रेलर नाविक कहा जाता है जिनको हिस्सा लेंगे। 7 अप्रैल को नेत्रा कुमानन टोक्यो खेलने के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला रेलर बनी थी। उन्होंने मुसाना ओपन चैंपियनशिप के जरिए लेजर रेडियल स्पर्धा में क्वालिफाई किया है और यह प्रतियोगिता एशियाई ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था। अगला है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ई संता का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ई संता का अगर रिलेशन आपसे पूछेगा तो किससे है, तो समुद्र में जो भी उत्पादन होगा, समुद्र से क्या क्या चीजों को उत्पाद किया जाता है, जैसे कि मछली हो गया या कोई और भी चीज को, तो उसको आप लोग ई संता पोर्टल में जाकर के बेचा जा सकता है या खरीदा जा सकता है, बस इतना ही इसका इंपॉर्टेंट है।
अगला है, देखो सोनू सूद से रिलेटेड मेरे को लगता है कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोरोना काल में सोनू सूद से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो पंजाब में ने क्या किया है, कोविड 19 टीकाकरण मुहिम के लिए सोनू सूद जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो एग्जाम में आपका ऐसा पूछ सकता है कि कौन से राज्य ने सोनू सूद को कोरोना के टीकाकरण मुहिम का अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो नाम क्या जाएगा, सोनू सूद। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, सुशील चंद्रा होंगे हमारे भारत के नए चुनाव आयुक्त, नए मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें बनाया जा रहा है, सुशील चंद्रा जी को, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए इस मधु क्रांति पोर्टल को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए निर्मित किया गया है ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शहद के ट्रेसेबिलिटी स्रोत के साथ साथ अन्य मधुमक्खी उत्पादकों को प्राप्त किया जा सके। यह शहद की गुणवत्ता और मिलावट के स्रोत की जांच करने में भी मदद करेगा। किसान उत्पाद संगठन मतलब FPO भी कहा जाता है इनको शॉर्ट में, को विपणन में सहायता प्रदान करने के लिए NAFED ने 14 से 15 हनी कॉर्नर्स भी निर्मित किया है और 5 जो है NAFED हर एक बाजार में एक हनी कॉर्नर है। फेडरेशन द्वारा आगामी 200 प्रमुख NAFED स्टोरों में से भी अधिक हनी कॉर्नर्स निर्मित किए जाएंगे जो शहद के लिए बाजार समर्थन को बढ़ावा देंगे। तो समझ जाओ मधु क्रांति का संबंध, मधु क्रांति पोर्टल किसके लिए है, शहद के लिए। और इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया था, हमारे जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगला है, भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्च का काम पूरा कर लिया है। ठीक है, तो ये मेनली आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है, तो चीनाब नदी पर बन रहा है। हाइट कितना है, 359 मीटर है, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कोरोना वायरस के इस चुनौतीपूर्ण समय में आर्क निर्माण कर रेलवे ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये सब कहानी लिखा गया है यहाँ पर, समझ जाइए मेनली कौन सी नदी पर बना है, चिनाब नदी पर। कितना हाइट है, 359 मीटर हाइट है, इतना को याद रखना। ठीक है, अगला है, RBI ने पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिए हैं। RBI ने 7 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति समीक्षा पेश की है और मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंक ने डिजिटल पेमेंट्स बैंक को बड़ा प्रोत्साहित किया गया है। गौरतलब है कि पेमेंट बैंक काफी समय से डिपॉजिट लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इससे पहले सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को भी 5 लाख रुपए तक बढ़ाया था। तो इतना समझ लो कि अब पेमेंट बैंक में बैलेंस की जो सीमा है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2 लाख रुपए कर दिया गया है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए फोर्ब्स ने जारी किया है 2021 के सबसे रईस लोगों की सूची, जिसमें से हमारे एशिया के सबसे रईस आदमी बनकर के उभरे हैं मुकेश अंबानी जी, और इंडिया के सेकेंड रईस आदमी बने हैं गौतम अदानी, और थर्ड रईस बने हैं शिव नडारा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर बात करें वर्ल्ड का, तो विश्व में सबसे अमीर जो शख्स हैं वो हैं अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस पहले नंबर पर है, और जो टेस्ला के जो मालिक है एलोन मस्क वो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, अगला है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट पावर प्लांट तेलंगाना में किया गया जा रहा है स्थापित। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC बोला जाता है जिसको, रामागुंडम पेड़ापल्ली जिले तेलंगाना में अपने थर्मल पावर प्लांट के जलाशय में 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता सहित भारत में सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये जान लेते हैं आखिर ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट क्या होता है। यह फ्लोटिंग सोलर प्लांट भूमि आधारित सौर संयंत्रों के लिए एक ऐसा व्यवहार विकल्प है जिसमें जल निकायों की सतह पर फोटोवोल्टी पैनलों की तैनाती की जाती है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, पूरा का पूरा जल स्रोत है, उस पर क्या किया गया, आपका फोटोवोल्टी सेल को लगाया गया है। ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं जो अक्षय ऊर्जा संयंत्र मालिकों को ग्रिड कनेक्टिविटी भूमि अधिग्रहण विनिमय के संबंध में झेलनी पड़ती है। मतलब जमीन उमीन के कारण जो दिक्कत होता है वो दिक्कत इसमें नहीं आएगा। इस फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स को स्थापित करने का एक अन्य लाभ जल निकायों का शीतलन प्रभाव है। इससे इन सौर पैनलों का प्रदर्शन जो है 5 से 10% तक बढ़ जाता है। भारत में जो पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र वर्ष 2014 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। अब ये महत्वपूर्ण दिन जो कि अप्रैल से पूछा जाता है, तो देखो 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस, अप्रैल फूड डे या ओडिशा दिवस भी मनाया जाता है। हिंदू रंगमंच दिवस मनाया जाता है 3 अप्रैल को। राष्ट्रीय नौका वहन दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को।
विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को, जलियांवाला बाग दिवस मनाया जाता है 13 अप्रैल को। क्या था? 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी कारण से जलियांवाला दिवस मनाया जाता है। अगला है भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है आपका 14 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को, भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है आपका 21 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस या इसी को अर्थ डे कहा जाता है ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है आपका 23 अप्रैल को, और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण दिवस थे। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हम मेरा जो ऐप है भूपेंद्र मिश्रा, वहां से जाकर के उसको प्राप्त कर सकते हो। और एक चीज, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। और हाँ, मैं जो आप सभी से क्वेश्चन पूछा हूँ उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।